हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? हालांकि मैं भी अच्छा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था वेलसोर रैकर्स हाउस, और इसके अलावा हमने आपको एक चेक पोस्ट और भी दिखाया था जिसका नाम था वालसा डॉक्स। ये वाला चेक पोस्ट है वो जिसको हमने पिछली बार वीडियो पार किया था। इसके बाद हमने दो चेक पोस्ट को और खेला था। इसका नाम है मॉस्किटो यार्ड और ये हमारा ऑर्फन पॉइंट। इन दो चेक पोस्ट को और पार किया था जिनका वीडियो क्या है रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दरअसल रिकॉर्ड तो किया था लेकिन गलती से रिकॉर्ड पर क्लिक नहीं हुआ था। मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है, इस कारण से क्या है इनका वीडियो नहीं आ पाया। आज हम लोग जाने वाले हैं नॉर्थ व्यू गैस पर, तो यहाँ की ओर चलते हैं और यहाँ का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अभी हाल फिलहाल हम यहाँ पर ऑर्फन पॉइंट पे खड़े हुए हैं। ये ऑर्फन पॉइंट है जहाँ का हमने आउटपोस्ट क्लिक किया है। मैप पर मैं जूम कर देता हूँ, ये हमारा आउटपोस्ट है ये वाला। ये एक प्रकार से आइलैंड है छोटा सा, जहाँ पर हमें हिरन मिलते हैं और यहाँ पर हमें चीता भी मिल जाता है कई बार, अगर हमें ज़रूरत हो मारने की तब। चलिए यहाँ से अपनी बोट पर बैठते हैं। यहाँ पर जो आपको बोट मिलेगी उसमें ऑलरेडी मशीन गन लगी हुई है। अगर आपको ऑसिन में और समुद्र में अगर कोई बंदा मिल जाता है जो आप पर फायरिंग करे, तो आपकी इस बोट में ऑलरेडी गन लगी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपके पास ऐसी बोट जिसमें गन हो, तो आपको जितनी भी बोट्स मिलेगी यहाँ पर सभी में गन लगी होगी। और जब आपके पास गन वाली बोट ना हो तब आपको एक भी नहीं मिलेगी। जैसे देख आप देख सकते हैं गन लगी हुई है, फायरिंग कर रहे हैं। तो जब गन वाली आपके पास बोट है तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको गन ही वाली बोट मिलेगी। देखो तो हम सामने भी जा रहे हैं ना, एक सामने बोट खड़ी हुई है। अगर हम गौर से उसको देखें तो देखिए देखिए इसमें भी गन लगी हुई है। और जब हम अगली बार गन दिखाएंगे आपको, जब बिना गन की बोट पर हम होंगे तो हमें कहीं पर भी गन वाली बोट मिलेगी। ऐसा होता है, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप ट्रेन में गए हो और टिकट ना हो आपके पास, तब टीटी जरूर मिलेगा। और जब टिकट हो तब कोई भी टीटी नहीं मिलेगा। वैसे से जो दूरी अभी है 7, एक बार मैप पर चेक कर लेते हैं रियल में कितना दूर है। मैप के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ तक पहुँच जाए ठीक रहेगा, तो मतलब हमें और चलना है, अभी हमें बोट को नहीं छोड़ना है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग शायद आ गए होंगे, पर मैप पर देख, हाँ देखो मैप के हिसाब से हम लोग आ गए हैं। यहीं से आराम देखते हैं कोई जगह मिल जाए। यहाँ पर रास्ता भी है तो यहीं पर हम बोट को लगाई दे रहे हैं। जब रास्ता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर समझ दे सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा एरिया है। चलिए कोई नहीं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है जहाँ से हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जंगली सुअर भी है। चेक पोस्ट में आगे है और ये रहा चेक पोस्ट। अरे जंगली सुअर है, यहाँ पे हमला कर रहा है, इसको मार दिया है। इसकी स्किल ले लेंगे, स्किल तो काम में आती ही रहती है। लो लगता है कोई रेसिपी बन जाएगी, क्या बनता है देखते हैं। हमने एस्केप की दबाया, यहाँ हम गए क्राफ्टिंग पे। क्राफ्टिंग पे यहाँ पर देखो एमओ पाउच है, ये रहा एमओ पाउच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एमओ पाउच में तो खैर यहाँ देखो बोर हट चाहिए 2, वहाँ पास 2 ही है, क्लिक कर देंगे। हमारा सिंपल एमओ पाउच बन गया है। अब इसके बाद रफ्ट एमओ पाउच, इसमें हमें चाहिए बफेलो हाइड, मतलब
दो भैंस की हमें स्किन चाहिए तो हमारा राफ्ट वाला बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और आ रहा था ये, हाँ फ्लेम थ्रोवर वाला राफ्ट फ्यूल स्किन बन जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर दो और मिल गए तो हम उनको भी मार के क्या है इसका भी बना लेंगे। अरे यहाँ पर तो लगता है अच्छी तक पड़ा गया, यहाँ से थोड़ा बाघ से दूरी रहेंगे, बेवजह हमें ज़्यादा गोलियाँ खर्च करनी पड़ेगी। पहले इसको मार कर लेते हैं, एक बंदे को मार कर दिया और थोड़ा चीते भी निगाह रखेंगे, अगर चीते ज़्यादा पास अगर आ गया तो हम पे अटैक कर सकते हैं, तो थोड़ा चीते से हम दूरी रखेंगे अपनी ताकि ज़्यादा पास ना आ पाए। पास ही आता जा रहा है तो थोड़ा और दूर हो लेते हैं। क्योंकि मौत के मुंह में तो जाना, यहाँ पर देखो हमें दो सुअर और मिलते हैं, ये तो हमारे पास आएंगे। तो पहले वाले को मार दिया है, क्या चीते ने हमें देख लिया? नहीं देखा, उस वक्त कुछ मारा नहीं। एक की स्किन ले ली, थोड़ा उससे दूरी रहे। यहाँ हम चेक पोस्ट के पास भी आ गए हैं, अगर हम चाहें तो चीते को एक गोली मार करके उससे अगर अपने पीछे लगा लें और चेक पोस्ट के अंदर घुस जाए तो हमें इसका टफ कवर मिलेगा। लेकिन इसकी डबल चांस हो सकता है कि वहाँ से फायरिंग शुरू हो जाए और यहाँ से फायरिंग शुरू हो जाए, तो होता कहीं हम ही ना मर जाए। कहीं देखा तो नहीं भाई, फकिंग बग्स, मैं अभी नहीं देखा सकता। यहाँ मेरे पीछे बंदा है, सामने हुआ है और पीछे खाई देख लिया। तो भागो भाई भागो, नहीं भाग पाया, आग बहुत तेज थी इस कारण से क्या है उसे मरना पड़ा। और मैंने गेम को सेव भी नहीं कर पाया था, इसकी डबल लॉस हुई है। जो हमने बोर मारा था, मतलब जो जंगली सुअर था इसे मारा था, उसकी सेविंग भी नहीं हो पाई। तो जब भी आप भी गेम खेलें, ये गलती तो खैर मुझसे हुई है पर इस गलती से एक चीज़ सीखने को मिली मुझे भी और आपको भी, कि अगर आप कोई जानवर मारते हैं तुरंत उसकी सेविंग कर लीजिए। अगर सेविंग नहीं करते हैं तो क्या आपका डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है। डाटा मतलब आपने क्या बनाया। अब जो सुअर था, देखो मुझे सुअर दोबारा फिर मिल गया है, ज़रूरी नहीं आपको हर बार सुअर मिल जाए, कई बार सुअर नहीं भी मिलता है। सुअर पे हम मारेंगे भाई, नीचे मत जा, नीचे मत जा। चलो खाल तो मर गई, हमने एस्केप दबाया, एमओ पाइप्स में जाके सिंपल एमओ पाइप बना लिया। इसके बाद देखते हैं, पिछली बार तो हमें एक्स्ट्रा सुअर भी मिल गए थे, इस बार मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। छोटी सी गलती वहाँ पर ये हो गई थी कि जो पीछे बोतल वाला था उसने हमें देख लिया था, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला था कि अगर वो कभी मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। चलिए कोई नहीं, दोबारा मौका मिलेगा ज़रूर दिखाऊंगा आपको। यहाँ जो बंदे हैं, एक बंदा वहाँ पर है, वो बोतल वाला यहीं कहीं पर था मेरे ख्याल से। साथ इस बार भी मिल जाएगी, इस बार चलिए कोई नहीं। ये रहा बोतल वाला, ये दिख रहे हैं आप, ये बंदा जो सिगरेट पी रहा है, इससे हमेशा बच के रहना, वो हाथ में बोतल नहीं देगा।
चलो हम तो फंसा के लेंगे यहाँ से जल्दी। हालांकि मैं तो क्या नहीं देख पाया था पर पता नहीं कैसे देख लिया। अभी लगभग मुझे कैमरे में 1, 2, 3, 4 चार बंदे दिखाई दे रहे हैं और अलार्म बज चुका है तो मे भी यहाँ पर और भी फोर्सेस आएंगे पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसलिए क्योंकि तो हमारे पास सारी गन्स लगभग हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। कितने भी लोग आ जाए आराम से मार। तो चलिए अपनी स्नाइपर को निकालते हैं। स्नाइपर साथ एक 5 गोलियां और है मेरे पास। अभी वो लोग मुझे इस साइड पे आ गए सेकंड साइड पे आ गया। काफी लोग तो हम पास में जो आउटर में है उसकी बता दूँ सबका ध्यान इस वाले के पास होगा अभी वो आउटर में है। जो आउटसाइड होगा पहले उसी को मारेंगे। अब रह गया सिर्फ 3 हमारी स्नाइपर की गोली खत्म हो गई है। कोई नहीं आराम से जाके लड़के भी मारेंगे। उनका ध्यान रखते हैं तो पत्थर फेंकेंगे उनका ध्यान रखिएगा। सारे गए। इस चेक पोस्ट को भी हमने फ्री कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नॉर्थ व्यू गैस है चेक पोस्ट हमने इसको भी फ्री कर दिया। अब जो लोग हैं उनको हम लूट कर लेंगे आराम से। 1 और ये 2 ये रहा 3 हमारा जो एमओ पाउचेस था वो भी बड़ा हो गया है। पहले हमारे एमओ पाउचेस में सिर्फ 60 गोलियाँ थी अब लगभग 120 गोलियाँ हैं। 10 डबल गोलियाँ हैं और मेरे ख्याल से शायद इससे ज़्यादा 180 गोलियाँ आती हैं। अभी एक बार और ही चेक हमारा जो एमओ पाउचेस है वो और बड़ा होगा। अभी एक बंदा यहाँ पर भी है उसको भी लूट कर लेंगे। शायद मेरे ख्याल से इतने ही लोग थे। घास में हालांकि कम दिखाई देते हैं। देखें यहाँ कुछ मिल सकता है या नहीं।
Come on, do this. यहाँ पर मशीन गन भी थी। वाह। चलिए कोई नहीं। चलते हैं। यहाँ पर भी कुछ गोलियाँ पड़ी हुई हैं। लैपटॉप है। लैपटॉप के अलावा यहाँ पर मेडिकल देख सर बाहर कुछ मिल जाए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास है। चलो कोई नहीं। अपने हाउस के अंदर आते हैं। देखते हैं कितनी क्या गोलियाँ कम हैं। अगर कम हैं तो भर लेते हैं। हाँ कम हैं। लगभग शॉटगन में 12 सेल कम है, स्नाइपर में 10, एलएमजी में 50 और ग्रेनेड हमारे पास एक ले सकते हैं तो ले लेते हैं। हमारे पास 489 रुपीस हैं। तो जो हमारी असॉल्ट राइफल है उसमें साइलेंसर नहीं लगा है तो उसमें साइलेंसर लगा लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं हमने क्या लूटा है लोगों से, उसे बेच लेते हैं। $47 कोई नहीं, बात करा लेते हैं। चलिए अब निकलते हैं बाहर। तो आप सभी ने देखा कि हमने इस वीडियो में कैसे इस चेक पोस्ट को पार किया। अब इसके बाद जो आउटपोस्ट है हमारा वो है ये वाला, इसका नाम है क्लिप साइड ओवरलुक। तो इस चेक पोस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे आपको कैसे इसको पार करते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद एक लाइब्रेरी पॉइंट भी इसके पास ही है तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस आउटपोस्ट को पार करेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट।